हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आधार यूसीएल मशीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए मेल मुझे फाइनली रिसीव हो गया है। जस्ट थोड़ी देर पहले मेल रिसीव हुआ था, मैंने सोचा आप सभी से शेयर कर दूं। बड़ों को अदाम सलाम सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और प्यार। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। और इस वीडियो में चलिए चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं कि आप मेल में क्या रिसीव हुआ है और क्या इनकी डिमांड है। चलिए, आधार यूसीएल मशीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ये अनुराग सिंह जो सीएससी से हैं, उनका मेल आ गया है। और हमेशा मेल आईडी ऑथेंटिकेट जब माना जाता है, जब उसके आगे cse.gov.in। बहुत सारे ऐसी जगह वीडियो बना दी जाती है जिसमें लोगों को दिखाया जाता है cse.neen.net. कुछ और uid.net, तो ये मेल आईडी वैलिड नहीं होता है। तो प्लीज आप इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। आप सीएससी में वॉक कर रहे हैं, वेली हैं, तो आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी किया होगा, तो उसमें पता होगा कि साइबर से रिलेटेड कितनी चीजें इंफॉर्मेटिक होती हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। ये मुझे 6:53 पे मेल रिसीव हुआ था। इसमें वो सारी चीजें लिखी गई हैं कि फॉर्म रिसीव हो गया है, हार्ड कॉपी मैंने भेज दिया था। गाइस, उसमें एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी कि उस टाइम मेरे पास डायनेमिक आईडी था। डायनेमिक आईपी में मुझे समझ में नहीं आया और मैंने उस टाइम उस हार्ड कॉपी फॉर्म में जो क्रेडेंशियल का फॉर्म था उसमें मैंने वही आईपी लिख दिया था जो मेरा पहले डायनेमिक था। बाद में जैसे वो सेंड कर दिया कोरियर, अगले दिन मेरे पास मेल आता है कि डायनेमिक, क्योंकि सब पहले ये नहीं पता था कि स्टैटिक होना चाहिए या डायनेमिक होना चाहिए। जब मुझे पता लगा, मैंने अप्लाई किया, मुझे 3 घंटे के अंदर वो स्टैटिक आईपी मिल गया था। मैंने फिर भी बाई मेल ईमेल के थ्रू डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने एक लिंक भेजा था, फिर उसमें मैंने सबमिट कर दिया है। अब ये तीसरी बार उन्होंने फिर मुझे मांगा हुआ है कि बोर्ड बैंक कनेक्शन स्टैटिक आईपी अपडेट करें, तो मैं अभी दोबारा से स्टैटिक आईपी अपडेट कर दूंगा। क्यों? डायनेमिक आईपी हर टाइम अंतराल में चेंज होता है, इसलिए यूआईडी ने पहले जो आधार में वॉक कर रहे थे वो दूसरे सेंटर पे ले जाके या अपने सेंटर से दूसरी जगह ले जाके वॉक कर रहे थे, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और इसलिए ये स्टैटिक आईपी मानी गई है कि आप अपने ऑफिस में एक जगह बैठ के प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। साथ में जीपीएस डिवाइस होंगे और जो भी आपकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बताई गई थी, i5 9th generation से ऊपर, 8 GB रैम होना चाहिए, 1 TR से ऊपर होना चाहिए, ये प्रॉपर आप सब कुछ मेरा रेडी रखा हुआ है। और इन्होंने जो लिंक भेजा हुआ है यूसीएल का, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, सिर्फ इन्होंने अभी ये बोला है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। देखिए, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, बट मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं दूसरे सिस्टम में करूंगा। पहला सिस्टम जो i5 है उस वाले सिस्टम में से मैं इंस्टॉल करूंगा। तो इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है कि स्टैटिक आईपी के साथ साथ, क्योंकि मुझे फाइनली मेल आ गया, आप वो फाइनली मेरा मशीन एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक वेरीफायर का डॉक्यूमेंट लगाना बहुत जरूरी है, जो इसमें साफ साफ लिखा है नौकरी, सरकारी नौकरी से वो रिटायर्ड होना चाहिए और सी ग्रेड से ऊपर के होने चाहिए। ये वेरीफायर पहले भी लगता था और अब भी लगेगा। उनका बायोडाटा प्रॉपर बनाना होगा ताकि मशीन में लगे। साथ में एक फोटो होना चाहिए, उनका पूरा एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड और जो उनका रिटायरमेंट और जो गवर्नमेंट जॉब का उनके पास डॉक्यूमेंट थे वो सारी चीजें इसमें लगाने हैं। जीपीएस वगैरह जो भी हार्ड स्पेसिफिकेशन थे वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। टॉयलेट, व्हीलचेयर, सेंटर पे टोकन और सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आगे का प्रोसेस वो जस्ट वो करेंगे और ये अपडेट जैसे ही आगे आता है, मैं आप लोगों को आगे का कोई भी अपडेट आता है सीएससी से तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लीज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हमारे व्यूअर हैं तो आप प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तब तक आप लोग बने रहें, अब क्लिक कर लें ताकि अपडेट, क्योंकि इसके बाद भी तो इंस्टॉल करना होगा ना, इसके बाद भी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।